यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय में, तो हम इसको उल्टा मानते हैं, मैंने उसको उल्टा जैसे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर अपरिमेय है तो फिर इसको परिमेय में करेंगे तब अपरिमेय में सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर 3 + 2√5 बटे पी बारह बटा क्यू, तब समझे ना यहाँ पर पी और क्यू क्या है। तो यहाँ पर चूँकि पी और क्यू पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है, ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो देखिए पी और क्यू इसलिए आया, ये परिमेय संख्या जो होता है वो बटा में होता है, यानी पी बटा क्यू के रूप में होता है, तो इसलिए पी और पी बटा क्यू आया। अपरिमेय जो होता है पी बटा क्यू के रूप में नहीं होता है। तब देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 3 है, प्लस में इधर लाएंगे तो हम, तो यहाँ पर 2√5 है पी बटे क्यू है, 3 को इधर टांग के लाए तो इधर -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर है जो 2 है ना, 2 अगर इधर इधर लाएंगे तो इसे गुणा होगा क्यू से गुणा होगा। तो क्या करेंगे, क्यू से अगर गुणा होगा तो यहाँ पर √5 लिख देंगे, इसको कर देंगे 1 बाई है 2 जो है नीचे कर देंगे 1 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसको पी बटे क्यू कर देंगे -3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसलिए यहाँ पर है RHS मतलब राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड पी बट्टा क्यू के रूप का है। लेकिन आई पी बटा क्यू के रूप में है, ये भी देखें पी बटा क्यू का 3 इसको 1 में भी कर देंगे तो पी बटा क्यू के रूप में होता है, यानी RHS मतलब यहाँ से यहाँ तक हम RHS मान लें। अब इसको मारते हैं LHS पी बटे क्यू के रूप का नहीं है, ये अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।